नमस्कार, प्रभा साक्षी के संगध्वनि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से हम लोग वास्तु टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए जानते हैं विस्तार से। कहते हैं अगर नींद अच्छी आती है तो अगले दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है और हमारी एनर्जी का लेवल भी हाई होता है और हमारा हर एक काम में मन लगता है। तो आइए जानते हैं नींद से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। दरअसल जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो वह ध्यान के गामा लेवल पर पहुंच जाता है। इस दौरान व्यक्ति को कॉस्मिक एनर्जी अधिक मिलती है। वहीं जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है या रात को बार बार नींद टूटती है, उन्हें अगले दिन ऊर्जा में कमी लगती है। नींद का आपके बिस्तर से गहरा संबंध होता है। वास्तु में इसके जुड़े कुछ टिप्स बताए गए हैं जिनको अपनाकर आप अच्छी गहरी नींद और ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। बेड को यदि गलत दिशा में रखा जाए तो वह घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न कर सकता है। साथ ही इस पर सोने वाले व्यक्ति को ठीक से नींद भी नहीं आती, जिससे मानसिक तनाव होता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां व बीमारियां भी इसकी वजह से हो सकती हैं। बेड का सिरहना पूर्व या दक्षिण की ओर होना चाहिए, जबकि गेस्ट रूम में बेड का सिरहना पश्चिम की ओर हो सकता है। अगर बेड लकड़ी का है तो और भी अच्छा है। धातु का बेड नकारात्मक ताकतें पैदा करता है। अपने बेडरूम में गोल या अंडाकार शेप का बेड ना रखें। बेड में हमेशा सिर टिकाने की जगह होनी चाहिए। सोते वक्त कभी अपने पीछे खिड़की खोलकर ना सोएं। बिस्तर के ऊपर की छत गोल नहीं होनी चाहिए। कमरे के दरवाजे के ठीक सामने पलंग नहीं रखना चाहिए। यदि दरवाजे के सामने पलंग लगा है तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इससे आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव, बीमारी आदि समस्या बनी रहती है। यदि पलंग का स्थान बदल पाना संभव ना हो तो दरवाजे पर पर्दा डालकर रखें। यदि आपके पलंग के ठीक ऊपर छत का बीम है तो पलंग को वहां से शिफ्ट कर लेना चाहिए। बीम के नीचे सोने पर आपके मस्तिष्क पर भार पड़ता है, नींद ठीक से नहीं आती है और तनाव बढ़ता जाता है, थकान दूर नहीं होती है। आजकल बेडरूम में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि नहीं रखने चाहिए। दरअसल ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो व्यक्ति को रोगी बना सकती हैं। वास्तु के अनुसार बेडरूम में पानी से संबंधित तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने पर धन हानि होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। पलंग पर यदि खाने की वस्तु या पानी रखते हैं तो यह भी हानि पहुंचाता है। इससे आर्थिक समस्या, बीमारी, रिश्तों में तनाव आदि समस्या हो सकती है। बेड के सिरहाने के ठीक पीछे दीवार होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि सिरहाने के पीछे खिड़की होगी या खुला हिस्सा होगा तो आपके आसपास की ऊर्जा बाहर चली जाएगी। बेड के नीचे कुछ सामान नहीं रखना चाहिए। अगर सामान रखा होगा तो ऊर्जा मार्ग बाधित होगा। इसी ऊर्जा से आपको शक्ति मिलती है और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो एकदम तरोताजा महसूस करते हैं और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। हम में से बहुत सारे लोगों को पेड़ पौधे और बागवानी का बहुत शौक होता है। हम घरों में तरह तरह के पेड़ लगाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कौन से पेड़ पौधे घर में लगाने चाहिए और कौन से नहीं। तो आइए जानते हैं पेड़ से जुड़े वास्तु टिप्स के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट लगाना बहुत ही शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार मनी प्लांट शुक्र ग्रह का कारक है। शुक्र की उपस्थिति में पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य फेंग शुई टिप्स होते हैं, जैसे घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, पर इसे घर की छत पर रखें तो बेहतर रहेगा। घर में बांस के पौधे लगा सकते हैं। फेंग शुई के अनुसार बांस के पौधे सुख व समृद्धि के प्रतीक होते हैं। घर या कार्यस्थल की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए गुलदस्तों में रोज ताजे फूल लगाएं। फूलों के गुलदस्ते ताजगी व सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। मुरझाए फूल व पत्तियां नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करती हैं। बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे लगाने से बचना चाहिए, इससे मैरिड लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। डाइनिंग व ड्राइंग रूम में गमले रखे जा सकते हैं। यदि घर के किसी दीवार पर पीपल उगाए तो उसे पूजा करके हटाते हुए गमले में लगा देना चाहिए। पीपल को बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। तुलसी का पौधा बेहद कल्याणकारी, बहुउपयोगी, पवित्र एवं शुभ माना जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक सहित अनेक औषधीय गुण होते हैं। इसका स्पर्श व इसकी हवा दोनों लाभकारी है, इसलिए इसे घर में अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर के ब्रह्मस्थल यानी बीचों बीच लगाना चाहिए। वैसे इसे घर के किसी भी कोने में लगाया जा सकता है, इसे गंदे स्थान पर ना लगाएं। गुलाब, चंपा व चमेली के पौधे घर में लगाना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे मानसिक तनाव व अवसाद में कमी आती है। आज के दौर में घरों में फिश एक्वेरियम रखने का प्रचलन काफी बढ़ गया है। वास्तु के अनुसार एक्वेरियम न सिर्फ खुशियां प्रदान करता है बल्कि घर के सदस्यों के ऊपर आने वाली विपत्तियों को भी टालता है। तो आइए जानते हैं फिश एक्वेरियम से जुड़े हुए कुछ वास्तु टिप्स। एक्वेरियम रखने के कुछ वास्तु के टिप्स हैं जिनका पालन करते हुए अगर हम एक्वेरियम रखते हैं तभी इसका पूरा लाभ मिलता है।
ऐसी मान्यता है कि घर पर रंगीन मछलियां पालने से घर के सदस्यों पर आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। फेंगशुई शास्त्र कहता है कि मछली धन को आकर्षित करती है और किसी भी आपदा को अपने ऊपर ले लेती है। घर या ऑफिस में फिश एक्वेरियम रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं उनके बारे में। पहली बात होती है कि फेंगशुई शास्त्र के अनुसार एक्वेरियम को पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में रखना शुभ माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए इसे मुख्य द्वार के बाईं ओर रखें। दाईं ओर रखने से घर के पुरुष का मन चंचल होता है। एक्वेरियम को किचन और बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इस जगह पर एक्वेरियम रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। एक्वेरियम से घर पर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए समय समय पर इसका पानी बदलते रहना चाहिए। मछलियों की संख्या 9 होनी चाहिए। इसमें से 8 मछली लाल और सुनहरे रंग की तथा 1 मछली काले रंग की होनी चाहिए। फेंगशुई के अनुसार काली रंग की मछली से घर के लोगों पर किसी भी तरह की बुरी नजर नहीं लगती है। एक्वेरियम में अक्सर समय समय पर मछलियां मर जाती हैं। मरी हुई मछली को तुरंत निकालकर नदी या तालाब में बहा देना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार जब कोई मछली मरती है तो अपने साथ घर पर आने वाली विपत्तियों को साथ लेकर चली जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वास्तु टिप्स जरूर पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।